हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन नेक्स्ट वीडियो। तो कल जो हमने अपनी बाड़ी से ये बैंगन तोड़े थे, तो आज हम उसकी बना रहे हैं सब्जी। यहाँ पे हमने पैन रख दिया है और उसमें डाल दिया तेल। ये पैन हमारा गर्म हो रहा है और यहाँ पे हमारे बैंगन और आलू कट किए जा रहे हैं। तो मम्मी बनाएगी फ्रेश सब्जी हमारे गार्डन की। अगर आप चाहो तो आप पहले इसको फ्राई भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे आलू फ्राई भी बोल सकते हो, आप सॉटे भी बोल सकते हो। इसको हमने अधकच्चा करना है। तो यहाँ पे हमारे आलू सॉटे हो रहे हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे आलू सॉटे हो रहे हैं, तब तक हम ये मसाला ग्राइंड करके रख लेते हैं। इसमें डालेंगे अदरक, कटी मिर्च, लंबी वाली भी ले सकते हो आप, छोटी वाली भी ले सकते हो। हम ये मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम दो टमाटर सब्जी में ऐड करेंगे। जब तक इसका हल्का ब्राउन कलर ना आना शुरू हो जाए, तब तक आप इसको हिलाते रहिए। ध्यान रखिए कि आलू सड़े नहीं और आप इसको इस तरह से हिलाते हुए पकाएं। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? तो ध्यान, वैसे तो ये बिना केमिकल से पके हुए हैं, पर फिर भी आप एक बार ज़रूर देख लें कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हो, क्योंकि बैंगनों में कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो देख सकते हो आप, हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है। आंच आपने एकदम धीमी ही रखनी है ताकि ये सड़े नहीं। तो आलू हमारे हो चुके हैं, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो आलू हमने निकाल लिए हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे। तेल आपको थोड़ा सा ही लेना है। और अभी हम इसमें ये बैंगन डाल देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसमें बैंगन डाल देंगे। इसको भी हम हल्का ब्राउन रंग आने तक सॉटे करेंगे। हिलाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं हिलाएंगे तो ये सड़ जाएंगे। इसको हल्के हाथों से आपको इस तरह चलाते रहना है। ये देखिए, हल्का ब्राउन रंग आना शुरू हो चुका है। तो अभी हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो बैंगन हमारे हो चुके हैं, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी हम तेल ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे अपने। यहाँ पे हम अपना मसाला ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अभी हम इस चॉपर में इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे हींग, ऐड करेंगे जीरा, ऐड करेंगे हल्दी, ऐड करेंगे गरम मसाला, ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। तो इसको हम हिला लेंगे।
आप चाहे तो ये मसाले ड्राई मसाले जो है बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पर हम इस तरह बनाएंगे कुछ अलग तरीके के साथ। तो अभी हमारा यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट आ चुका है। ध्यान रखिए कि आप मसाले को इस तरह से दरदरा कर लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। आप इस तरह अगर इसको दरदरा कर लेंगे ये मसाला जल्दी से अपना कलर छोड़ देगा। अब देख सकते हो हमने ऑयल की क्वांटिटी बहुत ही कम रखी है। अगर आप चाहें तो आप अगर तेल ज़्यादा खाते हो तो आप अपने हिसाब से तेल की क्वांटिटी रख लीजिए। हाँ, तो ये हमारा मिर्च का मसाला तैयार हो चुका है। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको ब्राउन करेंगे और इसको हम ढक देंगे ताकि ये जल्दी पक जाए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट और इसको हिला देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप कलर इसको देने के लिए देगी मिर्च ऐड कर सकते हैं। देगी मिर्च खाने में ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, सिर्फ वो कलर ही छोड़ती है, तो आप देगी मिर्च का यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इसको अगेन ढक देंगे। तो मसाला हमारा हो ही चुका है। पाँच मिनट तक अभी हम इसको और रेस्ट देंगे। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी चिली, ग्रीन चिली, तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। देख सकते हो आप इसमें कलर छोड़ दिया है और तेल भी छोड़ दिया है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे लिटिल बिट पानी। पानी हमने थोड़ा सा ही ऐड करना है क्योंकि हमें सब्ज़ी जो है वो सूखी अगर चाहिए हमको अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी हम उसको गाढ़ी करने के लिए पानी डाल देंगे। तो हम डाल देंगे आलू और बैंगन जो हमने सॉटे किए थे। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल कलरिंग आई है और सभी मसाले एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह से और खुशबू भी इतनी ज़्यादा बढ़िया आ रही है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप कर सकते हो एक्सप्लेन? तो मम्मी यहाँ पे हंस रही है हमारी क्योंकि वो वीडियो में आने के लिए राज़ी नहीं है। तो हम एक बार अपनी सब्जी चेक कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, वाव। जिनको बैंगन नहीं भी पसंद वो भी अब अपने घर में बनाएंगे और इसको खाएंगे। क्यों मम्मी, बनाएंगे ना। मम्मी हमारी हंसी जा रही है। चेक करेंगे हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। एक बार हम आलू चेक कर लेंगे। जी हमारी सब्जी रेडी है। और आप तो आप गार्निश कर सकते हो इसको धनिया की पत्तियों से। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।